बाला मामा अपना खुद का नाम चमकाने के लिए हर जब भी इलेक्शन आता है तब वो ऐसी बातें फैलाता है क्योंकि ये कपिल पाटिल का आदमी है और वो कपिल पाटिल। नमस्कार, आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा के चुनाव की। हालांकि कई पार्टियों का आपस में गठबंधन भी है, गठजोड़ भी है और सहयोग भी है, मगर ये सहयोग रहकर टूटता हुआ नज़र भी आता है। हालांकि ये मामला हर चुनाव में होता है, मगर इस वक्त भिवंडी शहर की जो हालत है कुछ ज़्यादा ही है। कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का सबसे बड़ा दल है और भिवंडी कांग्रेस में जितना कांग्रेस में सेंटेंस है उतना ही कांग्रेस अलग अलग टुकड़ों में मौजूद है। आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर सुरेश टावरे ने बाले मामा का किस तरह से विरोध किया। मैं खान फख्र आलम। बाले मामा का ऐसा कहने की शरद पवार साहब के साथ उनकी चर्चा हुई, भिवंडी लोकसभा की सीट जो एनसीपी पार्टी को जाती। बाले मामा अपना खुद का नाम चमकाने के लिए हर जब भी इलेक्शन आता है तब वो ऐसी बातें फैलाता है क्योंकि ये कपिल पाटिल का आदमी है और वो कपिल पाटिल को कैसा फायदा होगा इसके लिए ये सब बातें करते रहता है कि वो अभी केंद्रीय मंत्री भी है। इसके घर के सामने ट्रैफिक इतनी रहती है कि लोगों के दो दो घंटा इसके घर के सामने, जो इनके घर के सामने से जाते हैं वो इसके घर को सलूट मार के जावे, ये इसकी इच्छा रहती है ऐसा ही लगता है। तो इसको इसके आगे कोई भी भिवंडी का या पूरे भिवंडी लोकसभा का कोई भी इसको वोट देगा नहीं। इसकी इस टाइम बहुत बुरी हालत होने वाली है।